हैरी पॉटर के फैंस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को तो जानते ही होंगे, लेकिन जिन्होंने नॉवल नहीं पढ़ी उन्हें इसकी ओरिजिन स्टोरी नहीं पता होगी, क्योंकि मूवी के अंदर जादूगरों की दुनिया के सबसे खतरनाक जादूगर की पूरी कहानी तो हमें बताई नहीं गई। सो गाइज, आप देख रहे हैं एटीएस टीवी और आज हम बात करेंगे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की अनटोल्ड स्टोरी की शुरुआत होती है गॉन्ट फैमिली से, जिसमें थे मार्वल गॉन्ट, मॉर्विन गॉन्ट और मेरोपी गॉन्ट। ये गॉन्ट फैमिली सलाजार स्लिदरिन के आखिरी वंशज में से थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सलाजार स्लिदरिन हॉगवर्ट्स के चार फाउंडर्स में से एक है। मेरोपी गॉन्ट को उसके भाई और पिता मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, क्योंकि मेरोपी में अभी तक जादूगर होने की कोई भी निशानी सामने नहीं आई थी, लेकिन समय के साथ आगे चलकर वो जादूगर बनी जाती है। गॉन्ट फैमिली बहुत ज्यादा रिच हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उनके सारे सोने के सिक्के खत्म हो गए थे और उनके पास बचा था तो सिर्फ सलाजार स्लिदरिन का एक लॉकेट और एक पुश्तैनी का अंगूठी जिसमें रेजरेक्शन स्टोन थी। एक दिन मेरोपी की मुलाकात टॉम रिडल सीनियर नाम के एक मगलू से हुई और वो उसको पसंद करने लगी, लेकिन उसके भाई मॉर्विन को यह बात पसंद नहीं आई। उसने टॉम रिडल सीनियर पे एक जादू कर दिया जिससे वो मेरोपी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा, जिसके बाद मगलुओं के सामने जादू करने की वजह से मॉर्विन गॉन्ट और मार्वलो गॉन्ट को अज़्काबान के प्रिजन में भेज दिया गया, जिससे मेरोपी अपने परिवार से पूरी तरह से आजाद हो गई और टॉम रिडल सीनियर का प्यार फिर से पाने के लिए उसने लव पोशन का सहारा लिया। इसी लव पोशन की वजह से उनकी शादी हो गई और कुछ टाइम बाद मेरोपी माँ बनने वाली थी। मेरोपी ने सोचा इतने समय से साथ रहने के कारण शायद टॉम रिडल सीनियर को उससे प्यार हो गया होगा और उसने अपने पति को लव पोशन देना बंद कर दिया, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। लव पोशन का असर खत्म होने के साथ ही टॉम रिडल सीनियर ने मेरोपी को छोड़ दिया। इसके बाद कुछ पैसों के लिए मेरोपी ने सलाजार स्लिदरिन के लॉकेट को बॉर्गेन एंड बग्स में बेच दिया और वो कुछ समय के लिए वुल्फ ऑर्फनेज में गई, जहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद मर गई। मरने से पहले उसने अपने बच्चे का नाम अपने पति और पिता के नाम को मिला कर रखा, टॉम मार्वलो रिडल। फिर टॉम मार्वलो रिडल इसे ऑर्फनेज में रहने लगा। जब वो 11 साल का हो गया तब उससे मिलने एल्बस डंबलडोर आए। एल्बस डंबलडोर पहले जादूगर थे जिनसे टॉम मार्वलो रिडल मिला था। उन्हें भी अपने जैसे सोचकर टॉम ने उन्हें सारी बातें बताई कि वो कैसे दूसरे बच्चों से अलग है और वो कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरे बच्चों को तंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पे उसने एक और बात रिवील की कि वो सांपों से बात कर सकता है। इससे डंबलडोर को यह पता चल गया कि वो सलाजार स्लिदरिन के खानदान से है। फिर वो आगे हॉगवर्ट्स आ गया और बोलती टोपी ने उसे तुरंत नाक शक्ति में डाल दिया। हॉगवर्ट्स में वो टॉप स्टूडेंट्स में गिना जाने लगा और सारे प्रोफेसर भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। अभी तक उसको ये लगता था कि इसके माता और पिता दोनों ही जादूगर थे और वो एक प्योर ब्लड लाइन का है, लेकिन आगे जाके उसको पता चला कि उसके पिता एक मगलू थे और उसके बाद उसने अपना नाम बदलकर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट रख दिया। उसके परिवार के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो अपनी माँ के बारे में पता करने लगा और इसी की तलाश में वो गॉन्ट फैमिली के पुराने घर में पहुंचा। यहाँ उसकी मुलाकात हुई अपने मामा मॉर्विन से, जिसकी सजा अज़्काबान से खत्म हो गई थी। मॉर्विन ने सोचा कि वो टॉम रिडल सीनियर है और उसने उस पर हमला कर दिया। टॉम रिडल जूनियर ने उसे रोका और सब कुछ बताया, जहाँ पे मॉर्विन ने उसे उसके मगलू पिता के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद टॉम रिडल ने मॉर्विन के गॉन्ट को लिया और अपने मगलू पिता के पूरे परिवार को मार डाला और वापस आकर उसने मॉर्विन की यादों को भी बदल दिया, जिससे उसे लगने लगा कि उसने टॉम रिडल सीनियर को मारा है। वहां से जाते जाते उसने मॉर्विन के हाथ से उसकी अंगूठी भी निकाल ली। जब मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक वाले गॉन्ट फैमिली के घर पर पहुंचे तो मॉर्विन ने खुद टॉम रिडल सीनियर को मारने की बात कबूल कर ली और उसे हमेशा के लिए अज़्काबान की जेल में भेज दिया गया। इसके बाद अपने पढ़ाई के 6 साल में टॉम रिडल सीनियर यानी वोल्डेमॉर्ट ने हॉर्क्रक्स पे रिसर्च करना शुरू किया। उसे ये तो पता था कि काले जादू से कोई भी अमर हो सकता है, लेकिन ये कैसे करते हैं उसे नहीं पता था। इसके लिए उसने प्रोफेसर स्लगहॉर्न से बात की, जहां पे उसे पता चला कि हॉर्क्रक्स बनाने के लिए अपनी आत्मा के टुकड़े करने पड़ते हैं और आत्मा के टुकड़े करने के लिए उसे किसी इंसान को मारना पड़ता है। इसके बाद फिर क्या था, उसने एक के बाद एक हॉर्क्रक्स बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले हॉर्क्रक्स थी उसकी डायरी, जिसे उसने बनाया था मृत्यु कुमार कर और उसे हम में से बहुत सारे लोग मायूस मीना के नाम से भी जानते हैं। उसे मारकर उसने डायरी को जो है हॉर्क्रक्स में बदल दिया। इसी तरह उसने अपने पिता के मौत के बदले भी उस अंगूठी को हॉर्क्रक्स में बदल दिया। फिर जब उसकी पढ़ाई हॉगवर्ट्स में पूरी हो गई तब उसने बॉर्गेन एंड बग्स में काम करना शुरू कर दिया। वहां पे उसका एक ही मकसद था, कुछ यूनिक सामान ढूंढ कर उसको हॉर्क्रक्स में बदलना। अब वहां पे उसकी मुलाकात होती है हेप्ज़िबा नाम की एक औरत से, जिसके पास दो अनमोल चीजें थी, एक था हफलपफ का कप और दूसरा था सलाजार स्लिदरिन का लॉकेट जो उसने बॉर्गेन एंड बग्स से खरीदा था। और इसी मौके का फायदा उठा के उसने हेप्ज़िबा स्मिथ को मार डाला और उसके बाद हफलपफ के कप को हॉर्क्रक्स में बदल दिया और अपने साथ वो लॉकेट ले गया। फिर उसने बॉर्गेन एंड बग्स में काम करना छोड़ दिया और बस हॉर्क्रक्स बनाने लगा। उसने कई लोगों को मारा और बदले में हॉर्क्रक्स बनाई। इसी तरह उसने लॉकेट, ट्रेवनक्लॉ का ताज और नगीने को भी हॉर्क्रक्स में बदल दिया और उन्हें अलग अलग जगह जाके छुपा दिया।
अभी तक उसने आत्मा के 6 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब एक भविष्यवाणी सामने आई जिसमें यह था कि कोई ऐसा जन्म लेने वाला है जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बराबर का होगा और वही उसे खत्म करेगा। इसी भविष्यवाणी के कारण लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उस रात उस बच्चे को मारने गया, लेकिन उन दोनों के बीच बच्चे की माँ आ गई और मारी गई। इसी कारण ना चाहते हुए भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने गलती से हैरी पॉटर को भी हॉर्क्रक्स में बदल दिया, लेकिन ये बात उसे भी पता नहीं थी। अब इसके आगे की स्टोरी तो आप सभी को मूवी से पता ही होगी कि कैसे हैरी और उसके दोस्तों ने मिलकर सातों हॉर्क्रक्स को खत्म किया और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का अंत किया। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।